इस कार्यक्रम के पुण्यार्थक हैं स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। नमस्ते प्रभु। जीवन का सार यहाँ से भी दिखता है और इन चित्रों से भी दिखता है, यहाँ से भी दिखता है और इन चित्रों से भी दिखता है, अगर देखने वाला चाहिए बस। ख्याल करो, भगवान को देखकर भगवान बनने की इच्छा होना चाहिए, भगवान को देखकर भगवान बनने के भाव होना चाहिए। भगवान को देखकर भगवान होने के भाव अगर तुम्हारे होते हैं तो समझ के रखना तुम संसार में रहकर कुछ कर रहे हो। और भगवान को भगवान ही देखते रहोगे, भगवान को भगवान की तरह ही मानते रहोगे तो संसार में तुम वहीं के वहीं बने रहोगे। वहां से उठकर भगवान जैसा भाव बनाने का प्रयास करो। संसार की अवस्था क्या है ये संसार दर्शन तुम्हें बता रहा है। ये पेड़ वृक्ष रोज देखते हो आप, और रोज वो वृक्ष देखने के बाद वृक्ष कहाँ देख पाते होगे, तुम तो भगवान को देख के ही निकल जाती हो क्योंकि भगवान बनना है। लेकिन इस वृक्ष के अंदर देखने का प्रयास करो, वृक्ष का स्वाध्याय करने का प्रयास करो। वृक्ष में एक हाथी दिख रहा है ना, हर मंदिर में होता है, एक हाथी दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है, दो चूहे दिख रहे हैं, एक आदमी दिख रहा है और एक नीचे कुआ है, और यहाँ पे ये चार सांप की जगह पांच बना दिए, एक एस्टा बना दिया, वो वाला बड़ा दिख रहा है उसका मुख, वहां से तुम लोग निकल के आए हो ना, चार गति के चार और एक निगोद वाला है, पांच ऐसे हो गए। और कुछ दिख रहा है वहां पर, एक मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है, हाँ वो विमान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो विमान में जो बैठा वो दिख रहा है कि नहीं। तो बस वही हम लोग हैं जो यहाँ पर आपको बैठे दिख रहे हैं। आप विचार करके रखना, ये जो संसार दर्शन जो आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा में इतना बड़ा ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है, इसे समझ लो। एक बार संसार दर्शन बाहर भी है और अपनी इंद्रियों में भी है। पांचों इंद्रियों का जो वृक्ष हमने बना रखा है, मनुष्य रूपी वृक्ष, और पांचों इंद्रियां हमारी उस वृक्ष में ये पांचों सांप की तरह मुंह खोलकर बैठी हैं कि तुम मेरी तरफ ध्यान दो तो बस मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। और जो मन की विषय कामनाएं है ना, वो मधुमक्खी की छत्र की तरह है, चुभ रही है, बार बार चुभ रही है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। चलो आदमी दुख में, आदमी सुख में ना संसार छोड़े, दुख में तो छोड़ने के भाव होना चाहिए ना, लेकिन दशा तुम्हारी वो आदमी लटका है ना वैसी। आप ख्याल करके रखो, संसार रूपी वृक्ष में काल रूपी हाथी उस वृक्ष को हिला रहा है, चार सर्प गतियों के आपको मुंह खोलकर अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाओ बेटा हम तुम्हें लेके जाएंगे, और इनसे बच गए तो पांचवा निगोद वाला सांप भी लटका हुआ है, और दो चूहे दिन और रात के जिस डाल पर तुम रह रहे हो वो डाल को काटने का प्रयास कर रहे हैं, कुतर कुतर के टोड़ रहे हैं। मधुमक्खी का छत्ता जो हिलने से, हाथी के हिलाने से पूरा का पूरा छत्ता हिल गया, मधुमक्खियां आपके शरीर को काट रही हैं। और उसी समय एक विद्याधर आ गया, उसने कहा कि बहुत तकलीफ में हो, बहुत परेशानी में हो, चलो मेरा हाथ पकड़ो और चलो। आप क्या कह रहे हो मालूम, बस एक शहद की बूंद और मुंह में आ जाए फिर तुम्हारे साथ चलते हैं, एक शहद की बूंद मेरे मुख में आ जाए फिर तुम्हारे, वन ड्रॉप आफ्टर आई विल गो टू विथ हिम। आप विचार करके रखना, एक और बूंद मेरे मुख में आ जाए फिर मैं तुम्हारे साथ
चलता हूं, ये संसार दर्शन तुम्हारे साथ लगा है और इसको देखकर भी हम समझ नहीं पा रहे। क्या सोचते हैं, बस शादी हो जाए फिर तो न्यारे व्यारे क्यों आलो, शादी हो जाए। अब रेखा को साथ में भी वो देखिए ना, हमें ना साथ में लेके चलना है, क्योंकि धर्म कार्य में अभी आगे साथ साथ रखेंगे तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सबका विचार ही होता है कि बस एक सुख और ले लें, शादी का सुख ले लें, और शादी में सुख है क्या नहीं तो फिर क्यों की? ये बताओ। अच्छा तो हम लोग पछता रहे, आप विचार करके रखना शादी, और आप ही लोग कहते शादी जहां जहां शादी वहां वहां, आप ख्याल करके रखना शादी के बाद ही तो आबादी बढ़ती है, शादी के पहले आबादी बढ़ी क्या? शादी वहां आबादी, और ऐसी आबादी कि बाद में पहले तो सोचते हो कि शादी हो जाए, जैसे जैसे शादी हो गई तो बच्चे ना हो तो बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए उसके बाद क्या आता है मन में? ये तुम्हारा अनुभव बोल रहा है या सबका अनुभव बोल रहा है? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, संसार में जितने भी तुमने सुख के साधन इकट्ठे कर रखे हैं, वो सारे सुख के साधन एक एक करके तुम्हारे दुख में परिवर्तित होते जाते हैं। ये मधुमक्खियां और कोई नहीं है, विषय कामनाओं की है, तुम्हारी इच्छाओं की है, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं की है। और इच्छाएं और महत्वाकांक्षाओं में अगर सुख होता तो हमारे आचारों को इनको छोड़ना नहीं पड़ता। इतना ही विचार करके रखो, लेकिन हमको कोई शादी के बाद हमारे सेवा में कोई मिल जाता है तो हमें सुख मिल जाता है, फिर बच्चे हमें पापा कहने लगे, मम्मी कहने लगे तो और सुख मिल जाता है ना, और आगे बढ़ते तो और थोड़ा सा हो गया, बस अब नाती पोता और हो जाए, बस महाराज बच्चे की शादी और हो जाए, है ना, बच्चे की शादी हो गई अब नाती पोते और हो जाए, क्यों जयचंद जी? आप विचार करके रखना, एक एक करके हमने जितने सुख के साधन देखे, अगर उनमें सुख मिल गया होता तो हमारे ख्याल से भगवान को इस संसार छोड़ना नहीं पड़ता। हमने हाँ मिल सकता है, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, कमल जब भी खिलेगा तो कीचड़ में ही खिलेगा, कभी संगमरमर के पत्थर में नहीं खिलता है। कमल का फूल जब भी खिलेगा तो कीचड़ में ही खिलेगा, बस शर्त इतना ही है कि कीचड़ कीचड़ दिखनी चाहिए और कमल को कमल रहना चाहिए, है ना? हमने कीचड़ को ही कमल मान लिया तो कभी भी हम पार नहीं हो सकते। अरिहंत भगवान भी संसार में है और हम सब भी संसार में है। अरिहंत भगवान संसार से पार नहीं हुए, अरिहंत भी संसार में है और हम भी संसार में, अंतर क्या है? हाँ अंतर इतना है, हम संसार में हैं और संसार भी हम में है। अरिहंत संसार में है लेकिन अरिहंत में संसार नहीं है। तो आप अपने जीवन को कलाकार की तरह जियो। किसी दार्शनिक ने कहा है, जीवन जीना है तो ऐसे जियो जैसे कलाकार कर जीता है, और कलाकारी करना है तो ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो, दोनों में सफल हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कलाकारी करना है तो ऐसी करो जैसे बिल्कुल जीवन ही जी रहे हो। कैसी कलाकारी? पिक्चर देखते हो उदय जी? बागवान पिक्चर देखी थी? रोई थी? आप विचार करके रखना, पिक्चर देखो तो ऐसे देखो कि रोना भी आ जाए। हाँ मुझे मालूम था अम्मा यही बोलने वाली है। तुम लोगों को एक ही घर के अनुभव हैं, हमको हजारों घर के अनुभव हैं, क्योंकि सारी दास्तानें यहीं आती हैं हमारे पास। तुमको तो कहिए कि पति के अनुभव होंगे, हमारे पास तो सारे पतियों के अनुभव हैं। आफत गले पड़ी है और क्या क्या है, है ना वो? हाँ जब से हुई है, और एक वो भी है ना, बुड्ढा मिल गया क्या है वो? हाँ हाय मैं क्या करूं, मुझे बुड्ढा मिल गया। सब तुम ही लोग सुनाते हो। आप विचार करो, कलाकारी ऐसी करो जैसे जीवन जी रहे हो, और जीवन जियो तो ऐसा जियो जैसे कलाकारी कर रहे हो, तुम्हें हर जगह सुख मिल जाए।
परिवार में जाओ तो परिवार के हो जाओ, व्यापार में जाओ तो व्यापार के हो जाओ, वहां से निकलो धर्म में जाओ तो धर्म के हो जाओ। और इन सब में जाने के बाद भी आप अपने ही रहने का प्रयास करो। इष्ट उपदेश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि दिगंबर संत जो होते हैं वो चलते हुए भी नहीं चल रहे, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे, आहार करते हुए भी नहीं कर रहे, सोते हुए भी नहीं सो रहे। ख्याल करो, दिगंबर संत सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी आप, हम चलते हुए भी नहीं चल रहे हो और आप बैठे बैठे भी चल रहे हो। सब लोग चल रहे हो कि नहीं? मन में चल रहा है महाराज कब छोड़ें और हम घर पहुंचे। आप भोजन करते हुए भी नहीं करते हुए भी भोजन कर रहे हो, क्यों? कि जैसे ही समय हो गया अब जल्दी से चाय नाश्ता करना है, तो नहीं करते हुए भी कर रहे। और हम साधु जब आहार कर रहा है तो भी आहार नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आहार तो पुद्गल का है, शरीर का है, मेरी आत्मा को आहार तो अभी बाकी है, और जब तक वो आहार नहीं होगा तब तक मेरा आहार होने वाला नहीं है। विचार करो, इतना ही जीवन को सोचने का प्रयास करो कि कैसे हम अपने आप को पाने का प्रयास करें। संसार में सब कुछ मिलेगा, संसार में सब कुछ है, लेकिन उसमें अगर सुख होता तो हम शायद संसार को छोड़ते ही नहीं। हम मन में भावना आए, मन में विचार भाव करने का प्रयास करें कि कैसे हमें अपने आप को पाने का प्रयास करना है। परिवार, व्यापार, संसार, सब जगह तुम अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो, लेकिन कभी आप अपने आप को भी तो इन्वॉल्व करो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मंदिर के ट्रस्टी बनने की इच्छा रखते हो, तीर्थ के ट्रस्टी बनने की इच्छा रखते हो, समाज के ट्रस्टी बनने की इच्छा रखते हो, लेकिन अपने आप के ट्रस्टी कैसे बनोगे? चलो अपने आप के नहीं बनो, भगवान के ट्रस्टी बन जाओ। भगवान के ट्रस्टी कैसे बनोगे आप? तो भगवान के ट्रस्टी ऐसे बन सकते हो, और जो भगवान का ट्रस्टी बन गया तो भगवान का जितना वैभव है सब उसको ही। कैसे बनोगे भगवान के ट्रस्टी? भगवान पे ट्रस्ट करना शुरू कर दो, तुम भगवान के ट्रस्टी बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ट्रस्ट तो करो उन पर कि वो ही मेरे तारनहार हैं, उन्हीं से हम अपने आप को पा सकते हैं। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज तुम्हें तुम तक नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन उनके पास वो समर्थ है। उन्हें देखते देखते कितनी सुंदर तुम्हारी तेरी मूरत, तो कितना सुंदर होगा। एक बार निहारो, आपलक दृष्टि से निहारो। लेकिन होता बड़ा उल्टा है, घर से निकलोगे आंख खोलकर और भगवान देखते ही आंख बंद, और आंख बंद होते ही घर की पिक्चर चालू, इधर उधर के विचार चालू, इधर उधर की कहानी चालू। हमें आश्चर्य ये लगता है कि भगवान के दर्शन तो आंख खोल कर होना चाहिए। दर्शनम देव देवस दर्शनम पाप नाशनम, तो लेकिन भगवान के दर्शन तुम आंख बंद करके करते, क्यों? इन भगवान को देखने के लिए सौद्रमिंद 1008 नेत्र बनाता है। पंचकल्याणक में आपने देखा था, 1008 नेत्र बनाता है फिर भी वो तृप्त नहीं हो पाता है। हमें कभी भी दर्शन आंख बंद करके नहीं करना। इन भगवान को अपने अंदर समाहित करो, इन भगवान को आंखों से अपने अंदर समाहित करो, और जब कभी ये ना हो, भगवान घर में हो, परिवार में हो, तब इन भगवान का ध्यान करने के लिए बैठो। और यहीं तुमने आंखें बंद कर ली तो भगवान फिर घर में दिखने वाले नहीं हैं। इन भगवान को समाहित करो, अपने अंदर ले जाने का प्रयास करो। भगवान के दर्शन आंख खोल कर करना, और जब ध्यान करो, समाय करो, तब आंख बंद करना, तब तुम्हें ये भगवान साक्षात दिखने वाले हैं। आप सबसे कहूंगा कि संसार दर्शन देख रहे हो, ये सारे के सारी चीजें तुम्हारे साथ घट रही हैं, और ये हमारा पूरा स्वाध्याय कराने का प्रयास कर रहा है ये चित्र,
लेकिन इसको समझने का प्रयास करो कि तुम्हें सब तरफ से तकलीफें हो रही हैं और चारों गति के जीव, चारों गतियां तुम्हारे लिए मुंह खोलकर बैठी हैं, और हम अगर पार नहीं हुए तो निगोद का भी सर्प मुंह खोलकर बैठा है, इनसे पार होना है। तो विद्याधर कह रहा है चलो मेरे साथ, हाथ भी आगे बढ़ा रहा है कि चलो मेरे साथ, लेकिन वो जीव कह रहा है कि बस एक मिनट रुको, एक शहद की बूंद और ले लूं फिर चलता हूं। तो हम संत लोग भी विद्याधर की तरह आए हैं, कह रहे हैं चलो मेरे साथ, सुख में ना चल पाओ तो कम से कम दुखी तो में दुख तो हो तो चलो। आप लोग सुखी हो या दुखी हो? महाराज हमने जो समझ रखा है वो ही हम सुखी हैं, क्योंकि हम अगर दुखी होते तो छूट जाता। हमने सुखावास को ही सुख समझ रखा है। ख्याल करो, संसार के अंदर रहकर हम कितना भी जीवन जीने का प्रयास करें, संसार में रहकर हम कितना भी कुछ करने का प्रयास करें, लेकिन जब भी सुख मिलेगा तो अंदर लौटने से ही मिलने वाला है। अंदर लौटेंगे जब तभी हमें सुख मिलने वाला है। इतना ही विचार करके रखो, हम संसार की अवस्थाओं को भोगते रहते हैं, जीते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसमें देखते हैं उसमें देखते हैं, लेकिन थक जाते हैं तब फिर लगता है कि इससे हम निकल जाएं। जो जो हमने सुख के साधन एकत्रित कर रखे हैं उन सब में सुख नहीं है। सुख तुम्हारी इच्छाओं में है, सुख तुम्हारे मन की भावनाओं में है। सूर्योदय तीर्थ जहां पर भगवान विराजमान होने वाले हैं, ख्याल करके रखना जो पुण्यशाली जीव होंगे, जो बड़े सौभाग्यशाली जीव होंगे, वो सूर्योदय पहाड़ के पंचकल्याणक को बहुत अच्छे से किया है और वहां भगवान को विराजमान करने का भी प्रयास करेंगे। ख्याल करो आठ गांव में, आठ गांव की तरफ से भी एक वेदी है, शांतिनाथ भगवान आठ गांव के लोग विराजमान करेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि सूर्योदय तीर्थ पर जब भगवान विराजमान हो तो आप सब लोग जरूर जरूर वहां पर लाभ लेने का प्रयास करेंगे। और जब मैं गुवाहाटी आया था तो हम दो चार दिन बाद ही आठ गांव में आए थे। वो फर्स्ट प्रवचन था, अब सेकंड लास्ट प्रवचन गुवाहाटी आठ गांव का शायद कल भी है। आप विचार करके रखना कल भी आज सेकंड लास्ट है। तो इतना ही विचार करना कि तब आया तो अब आया हूं, लेकिन वास्तव में आपका भाव बहुत अच्छा है और मेरी भावना यही है कि जल्दी से जल्दी ये चैताले बड़ा चैताले बनना चाहिए। जगह हमारे विजय भाई ने दिखा दी है और वो विजय भाई ने जगह पूरा आठ गांव, अब ये पांच मंजिल तो मैं शायद दो महीने बाद चढ़ाऊं ऊपर पहली बार, ये तो भगवान बुला लिए। लेकिन जो चैताले यहाँ बनना है उस सब में आप लोग भाव लेने का प्रयास करें, उस चैताले का मूल बनाने का प्रयास करें। मेरा तो कोई भरोसा नहीं है सूर्योदय पहाड़ से वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, लेकिन भावनाएं आप लोगों की होना चाहिए कि मंदिर के भगवान बहुत अच्छे विराजमान हों और अच्छी से अच्छी जगह पहुंचने का प्रयास करें। मैं आप सबको इतना ही कहूंगा कि आप अपने जीवन को मंगलमय बनाने का प्रयास करें। ऐसा पुण्य बार बार मिलेगा नहीं, जैन कुल मिल गया। और सूर्य पहाड़ का जो हमारे शैलेश जी, इनका कभी नाम शैलेंद्र जी निकलता है, कभी दादाजी निकल जाता है, कभी हमारे और निकल जाता है। शैलेश भाई ने जो मेहनत की है वहां के लिए, बहुत बहुत मेहनत की है। मैं अक्सर पर्यूषण पर हमेशा वहीं करते हैं, आप विचार करके रखना। मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग उस पहाड़ से जुड़ें, उस तीर्थ से जुड़ने का प्रयास करें और अपने अंदर के तीर्थ को पहचानने का प्रयास करें, क्योंकि ये जीवन बार बार हमें मिलने वाला नहीं। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी।
MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम।